لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا حسين فاعرف. عزاداران امام مظلوم، صبح سے جلوس سے عزا کے ساتھ ساتھ آپ حضرات مسلسل ذکر حسین کرتے ہوئے قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں. ان انجمنوں کی یہ آواز یا حسین یا حسین، ہر آواز رسول کی اس حدیث کی ترجمانی ہے. ھذا حسین فارقو، یہ حسین ہے، اسے پہچانو. کل سرکار نے یہ کہا تھا اپنے صحابہ کے درمیان کہ یہ حسین ہے، اسے پہچانو. ظاہر ہے کہ سرکار نے قیامت تک کے اسلام کے لیے، قیامت تک کی شریعت کے لیے، قیامت تک چلنے والے قرآن کے لیے اور ان کے تمام ماننے والوں کے لیے یہ پیغام چھوڑ دیا کہ یہ حسین ہے، اسے پہچانو. تو سرکار نے فرمایا یہ حسین ہے، اسے پہچانو. ہم گلی گلی، کوچوں کوچوں، شہروں شہروں آواز بلند کرتے ہیں، یا حسین یا حسین یا حسین. ہم نے تو معرفت حاصل کر لی ہے. یہ آوازیں ان سماعتوں کے لیے ہیں جو ابھی تک بیدار نہیں ہے، ان سماعتوں کے لیے ہیں جو ابھی تک بیدار نہیں ہے کہ وہ پہچانے کہ یہ حسین ہے، اسے پہچانو. سرکار نے کہا تھا یہ حسین ہے، اسے پہچانو. اس ضرورت کیا تھی یہ کہنے کی کہ یہ حسین ہے، اسے پہچانو. میں جملہ کرنا چاہتا ہوں، جو بھی سامنے مجمع موجود تھا جن کے درمیان رسول نے فرمایا تھا، وہ سب جانتے تھے کہ یہ آپ کا نواسا ہے، علی کا نور نظر ہے، زہرا کا لخت جگر ہے، سب جانتے تھے. مگر پھر رسول نے کہا یہ حسین ہے، اسے پہچانو. اصل میں جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے. جو ہے جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے، اسے پہچانو. رسول نے اس لیے کہا تھا کہ اگر تم حسین کو پہچان لو گے تو دین بھی سمجھ میں آئے گا، شریعت بھی سمجھ میں آئے گی، قرآن بھی سمجھ میں آئے گا، اسلام بھی سمجھ میں آئے گا. حسین کو نہیں پہچان سکے تو پھر فرقوں میں بٹتے جاؤ گے، اسلام نہیں ملے گا. جس نے کہا یہ حسین ہے، اسے پہچانو. یہی بات جوش نے اپنے لفظوں میں کہی. اسی حدیث کی تفسیر ہے کب صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، کب صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین. چرخے نوئے بشر کے تارے ہیں حسین، کب صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین. چرخے نوئے بشر کے تارے ہیں حسین، چرخے نوئے بشر کے تارے ہیں حسین. اور انسان کو بیدار تو ہو لیں گے وہ، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. جو ہے یہ انسان کو بیدار تو ہو لیں گے وہ، یہی بات رسول نے کہی ہے.
मजीद पहचानने की जरूरत है। मैं बहुत तवज्जो चाहता हूं, इसलिए इंसान ने जिस साबिये से देखा वही ठहर गया, बढ़ जाता तो हकीकत अबदी के करीब हो जाता। लफ्ज़ समझिएगा, एक ईसाई मौरखा अपने रिसर्च में लिखती है कि ये कायनात कुर्बानियों से बची है, ये कायनात कुर्बानियों से बची है। अगर कुर्बानियां पेश न होती तो ये कायनात कब की उजड़ नहीं होती। वो कहती है कि सबसे बड़ी कुर्बानी सुकरात ने दी थी कि उसने जहर का प्याला पी के इस कायनात को बचा लिया। फिर कहती है दूसरी कुर्बानी जनाब ईसा ने दी थी कि अपनी कुर्बानी पेश करके उन्होंने इंसानियत को बचा लिया। फिर कहती कि ये सारी कुर्बानी सुकरात की हो कि ईसा की हो या दुनिया की कोई कुर्बानी हो, ये सारी कुर्बानियां जाया हो जाती अगर हुसैन ने कर्बला में कुर्बानी दे के हर कुर्बानी को जिंदगी न दे दी होती। मजूला बोलते हैं हर कुर्बानी को जिंदगी न दे दी होती तो सारी कुर्बानियां जाया हो जाती। एक बात समझ में आई कि अगर कुर्बानियां कायनात की जिंदा है तो सिर्फ हुसैन की बदौलत है। यही वजह है कि महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन के लिए 72 आदमी चुन के और हिंदुस्तान को आजाद करके बताया हमारी कुर्बानियां भी जिंदा है तो हुसैन की बदौलत जिंदा है। सारी कुर्बानियां कायनात मगर जिन्होंने सिर्फ इंकलाब के चेहरे से देखा उन्हें हुसैन की जरूरत हर इंकलाब में नजर आई। दुनिया के किसी भी जोग्राफिया का इंकलाब हो, जब भी इंकलाब याद आता है, इंकलाब की जरूरत महसूस होती है तो हुसैन याद आता है। मगर इसी बात को ख्वाजा ने दूसरे अंदाज से कहा, लेकिन पहचानने वाले दावे हैं। ख्वाजा ने कहा शाह हुसैन बादशाह हुसैन। सिर्फ हुसैन इंकलाब की जिंदगी नहीं, हुसैन सिर्फ कुर्बानियों को दिलाने वाला नहीं, हुसैन सिर्फ कायनात को बचाने वाला नहीं। अब उन्होंने दो लफ्ज़ बढ़ाए आगे का शाह हुसैन, हुसैन शाह है, बादशाह हुसैन, हुसैन बादशाह है। मौलाना नसीर साहब यहां बैठे हुए हैं, ये हमारे नाज़िम साहब बेहतरीन तशरीफ फरमा है, अदीब है दोनों। पूछिएगा शाह और बादशाह के माना एक ही होते हैं। शाह मानी जो है भाई बादशाह है, बादशाह मानी तो आप जानते ही हैं। मगर ये दो लफ्ज को इख्तियार किए, समझ रखिएगा, शाह और बादशाह ये दो लफ्ज अलग अलग क्यों इख्तियार किए। शाह हुसैन शाह हुसैन कह सकते थे, बादशाह हुसैन बादशाह हुसैन कह सकते थे। सुना है कि तकरार लफ्जी से जोर जोर पैदा होता है, मगर ये दो लफ्ज अलग क्यों इख्तियार किए। तो मैं आज करना चाहूंगा कि जिस अहल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कादमी मूसवी अलैहिर्रहमा ये कथा कह रहे थे, उस दौर की तहजीब को उठा के देखिए तो शाह उसे कहा जाता था जो दीन का जिम्मेदार होता था, बादशाह उसे कहा जाता था जो हुकूमत का जिम्मेदार होता था। उन्होंने कहा हुसैन दीन का भी जिम्मेदार है, दुनिया का भी जिम्मेदार है, यकीन न दीन वाला है। अल्लाह का घर आपको सलामत रखे। शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है, यजीद न दुनिया के लिए है न दीन के लिए।
फिर दो लफ्ज बढ़ाई, दीन अस्पुस है, दीप पना अस्पुस है। मैंने यही नहीं कहा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कादमी मूसवी अलैहि रहमा पहचान ने कहा दीन अस्पुस है, दीप पना अस्पुस है। हुसैन खुद भी दीन है और दीन हुसैन की हिफाजत में है। भाई ये दीन मंजिल है, हुसैन की हिफाजत में दीन है तो हुसैन दीन नहीं है, मगर कादिर हुसैन खुद दीन भी है और दीन हुसैन की हिफाजत में है तो पहचानो के दीन क्या है। तो दीन की बुनियाद है असूल दीन, तौहीद, आदल, नबूवत, इमामत, कयामत, यही असास दीन है, यही असूल दीन है। का दीन हुसैन, हुसैन दीन है, यानी हुसैन इमाम है। तो तुम्हारे पास दीन नहीं है, हुसैन दीन है। अगर इमाम हुसैन को तस्लीम नहीं किया तो तुम्हारे पास दीन नहीं है। अपना दीन पनाह हुसैन, यानी तो ही हुसैन की बदौलत जिंदा है, अदालत हुसैन की बदौलत जिंदा है, नबूवत हुसैन की बदौलत जिंदा है, तस्वुर कयामत हुसैन की बदौलत जिंदा है। हुसैन दीन भी है, दीन बचाने वाला भी है। सरदार नदार दस के नसीब हुसैन ने सर दिया, मगर यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। मकाम तवज्जो, पूछिए कायनात से, कायनात के कवानीन से, कॉन्स्टिट्यूशन से, अदालत से, अदलिया से, इंसाफ से, जज से, मंसिब से, पंच से, पंचायत से, पूछिए कि किसी भी दुनिया में, किसी भी जमाने में, किसी भी जमीन पर सर की कीमत हाथ से ज्यादा होती है। जुमला पहुंच रहा है, अगर भाई किसी से ना पूछिए तो इंश्योरेंस के किसी एजेंट से पूछ लीजिए। सर की कीमत हाथ से ज्यादा होती है, बता रहे आप, सर की कीमत हाथ से ज्यादा होती है। खाजा क्या कह रहे, सरदार नदार दस जन दस्त यदी कायनात में करबला तन्हा वो जमीन है जहां हाथ की कीमत सर से ज्यादा है। जुमला पहुंच रहा है, कायनात की तारीख में तन्हा करबला वो जमीन है जहां सर की कीमत हाथ से ज्यादा नहीं है, हाथ की कीमत सर से ज्यादा है। मैं पूछूंगा मौला, सर दे दिया, हाथ बचा लिया का वजह यह है, सर हुसैन का है, हाथ कुरान का है, हाथ शरीयत का है, हाथ इस्लाम का है, हाथ अंबिया का है, हमने दीन बचाया है, सर दिया है। यजीद बयान मांग रहा था और सर मांग रहा था, बस जो रोक रहा हूं बात में, सर या बैत, हुसैन ने बैत नहीं की, हाथ बचा लिया, सर दे दिया, इसलिए कि हाथ अंबिया की विरासत है, हाथ शरीयत के जिम्मेदार थे, हाथ कुरान को संभाले हुए थे, का हाथ नहीं दूंगा सर दे दूंगा। अपनी मिल्कियत खैरात की जाती है, मैं जुमला पहुंच रहा है, अपनी मिल्कियत खैरात की जाती है, सर मेरा है, सर दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा। जुमला संभालो नहीं दो, यजीद जैसा सवाली भी जरे हुसैन पर आया तो हुसैन ने उसे खाली हाथ जाने नहीं दिया। कसम सूरह दहर की, कसम हलाका की, न फरिश्ता खाली गया, न इंसान खाली गया, न फितरुस खाली गया।
सर लेते लेते थक जाए। हुसैन सर देते देते नहीं थकेगा, हुसैन सर देते देते नहीं थकेगा। यजीद तो सर लेते लेते थक जाएगा, और हुसैन ने जुल्म को थका दिया होगा। चलो ये देखें मसाइल के जो अभी सुनना है बाकी रही है, तो भगवान हुसैन ने जुल्म को थका दिया। जुल्म का मिजाज क्या है खोल लो, साइकोलॉजी की बुक खोल लो, पूरे इल्म नफ्सियात को निचोड़ के देख लो। जुल्म की नफ्सियात क्या है? जुल्म की नफ्सियात है सता के कहे लगाना, जुल्म की नफ्सियात है अजियत दे के फंसना, जुल्म की नफ्सियात है कुछ छीन के खुश होना। तो जुल्म की नफ्सियात है अजियत दे के खुश होना। हुसैन ने सरे मैदान जुल्म को रोला दिया, नफ्सियात बदल दी हुसैन ने जुल्म की। हुसैन ने जुल्म को सरे मैदान रोला दिया। वो जुल्म जुमला संभालो संभालो, मैं नफ्सियात की गिरह खोला हूं। वो जुल्म जो कासिम को पामाल करके नहीं रोया, वो जुल्म जो अब्बास के बाजू काट के नहीं रोया, वो जुल्म जो अब्बाली अकबर के कलीजे में बर्छी का पैवस करके नहीं रोया, वो जुल्म जिसने असाब अंसार के लाशें बिछा दिए नहीं रोया। हुसैन इत्मान हुज्जत के लिए शशमाहा लेके मैदान करबला आ गए। देखे जुल्म का बुतक नहीं होता है। अल्लाह अकबर। हुसैन छह महीने की जान अली असगर को आगोश में लिए हुए मैदान करबला में आ गए। अजीब जुमला है, अगर तुम ये समझते हो कि हुसैन गुनाहगार है, ये तुम्हारा जो में नाकिस है, तो इंसाफ करो। ये छह महीने के बच्चे ने क्या जुर्म किया, इसका क्या कसूर है? अरे इसे थोड़ा सा पानी पिला दो, अभी जो महसूस कर सको। तो वो बात भी सरे मैदान हुसैन ने कह दी जो गिर जाता था, भूल जाता था, जो गिरता था दाना जमीन पर। अभी कैसा साहब ने एक जुमला कहा अपने दोस्त आफ़ताब साहब से कि गर्मी बहुत पड़ रही है, ये नवंबर आ गया ना, जुलूस है, गर्मी बहुत पड़ रही है। क्यों कहा कि गर्मी कम होगी तो बच्चे और खुल कर मातम करते, ये नवंबर है कह रहे गर्मी कम होती तो सोमवार का रोज करबला को जहां चिलचिलाती हुई धूप है। और हुसैन असगर को जमीन में लेटा के कह रहे हैं ये न समझो मैं पानी पी लूंगा, तुम खुदा के पानी पिला दो। मगर हुसैन को जवाब न मिला, उधर से आवाज आई यही ना हो को कुर्बान कर दिया। जुल्म रोने लगा, जुल्म को हुसैन ने थका दिया। मगर हुसैन उस नन्ही सी लाश को लिए हुए अब खैमे की तरफ आ रहे हैं। आखिरी जुमला सुन लो, मैं सूच कर सको तो ये जुमला काफी होगा। वो हुसैन जो अकबर का जनाजा ले आए, कासिम का ले आए और मोहम्मद का ले आए, तो खैमे में दाखिल हो